हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम प्ले कर रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर गेम को। तो देख सकते हो अभी हमारा गैरेज कैसे ख़राब हुआ पड़ा है, तो जल्दी से इसको हम वो करते हैं, साफ सफाई करते हैं। गैरेज यहाँ पर पूरा कूड़ा उड़ा भरा हुआ है, पता नहीं कौन फेंक जाता है यार, गंदगी रोज ही गंदगी हुई रहती है यहाँ पर। तो जल्दी जल्दी इसे हम कर लेते हैं, यहाँ से साफ कर देते हैं ये कूड़े कचरे को, और इससे हमें एक्सपी भी मिलती है इसमें कूड़े कचरे से। और ये आप अगर इस आपने ये गेम डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पे है, गेम फ्री है, तो आप वहाँ से जाके इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं जल्दी से यहाँ से सारा कचरा उचरा उठा के पूरा अपना गैरेज साफ करके और अपने गैरेज को मैं नई नई गाड़ियाँ लेके आऊँगा। तो देखते हैं हमारे पास अभी कितने $15,000 हैं, समथिंग कुछ 15,000 हैं, पता नहीं 20,000 हैं, कुछ ऐसे ही हैं। तो वो जल्दी से उससे हम वो लेके आएंगे अपने लिए, कार्स लेके आएंगे, और उनको डैमेज भी होती हैं कई कार्स और कई कार्स सही भी होती है, बस वो देखना पड़ता है वहाँ पर जाके अपने आप कि कौन सी कार सही है, कौन सी कार डैमेज है, कौन सी कार कैसी है, तो फिर उनको हम रिपेयर भी करा सकते हैं, तो उससे हमें अर्न प्रॉफिट होता है। तो मैंने अपना ऑफिस कर दिया है ओपन, तो ये देख सकते हो ये अंदर का व्यू है मेरे ऑफिस का। तो यहाँ पर बस सिंपल सा पड़ा हुआ है, कुछ है नहीं ज़्यादा, क्या कहते हैं, एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, एक चेयर, एक सोफ़ा लगा हुआ है बैठने के लिए, टेबल है। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर, तो इसमें भी अलग अलग हैं, हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं अंदर बाहर, और इसको भी हम अपग्रेड कर सकते हैं अपना जो ये है गैरेज है, छोटा सा ऑफिस है। तो ये है, और ये हमारा घर है, यहाँ पर सोने के लिए है। तो देखते हैं हमारे पास कोई वो आई हुई है कि हमें कैसे प्ले करना है गेम को। तो मैं पहली बार ही गेम प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताते रहना, मुझे टिप्स देते रहना कि कैसे क्या करना होता है इसमें गेम में। तो हमें अपने ऑफिस का नेम चेंज करना है इधर का, तो देख लेता हूँ यार किधर से होता है, वो मुझे मिल नहीं रहा, तो क्योंकि लेफ़्ट साइड में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, तो इनमें जाना है, तो यहाँ से जाके मेरा ऑफिस का नेम चेंज हो जाएगा। ओके, तो अभी नेम है कार फॉर सेल, तो हम क्या रखते हैं नेम, एमजे गैराज रख देते हैं, एमजे नेम, एमजे गैरेज ठीक रहेगा आई थिंक नेम ना, वो बढ़िया भी है। तो जल्दी से नेम रख देते हैं और फिर हम चलते हैं वहाँ पर गाड़ी लेने नेबरहुड में। और इसमें कार पे ऑक्शंस भी लगती हैं, लाइक ऑक्शन होता है, काफ़ी सारे पीपल्स आए रहते हैं उधर, लोग आए रहते हैं, तो वो जिस पे ज़्यादा ऑक्शन लगाएगा उसको वो गाड़ी मिल जाएगी। और कोई कार मार्केट भी है इसमें, मैंने देखा अभी दिखा रहा था। तो ये कलर ठीक है, तो मैंने नेम चेंज कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ से फास्ट ट्रैवल करके, जल्दी से बस स्टैंड पे जाते हैं और वहाँ से हम चलेंगे नेबरहुड पे। तो मैं अपना ऑफिस ओपन ही रहने देता हूँ, क्योंकि रात के टाइम ही हम ऑफिस क्लोज करेंगे, अभी तो कार और है नहीं, तो कोई कस्टमर भी नहीं आएगा अभी हमारे पास। तो चलता हूँ मैं यहाँ से ट्रैवल करके नेबरहुड। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं नेबरहुड में, यहाँ देख सकते हो कितनी सारी कार्स हैं भाई। ओए ओए अंकल, ये कौन सी कार बेचने में लगा हुआ भाई, मुझे कार और उसके नाम नहीं पता, क्योंकि मैं कार पे इतना इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं यहाँ पर ही, आप बताते रहना कि कौन सी कार का क्या नाम है, ये पता नहीं कौन सी कार है, कोई तो होगी कार, तो इस पे देख लेता हूँ। ओके ओके ओके, तो आप इससे बार्गिन वर्गिन करके इसका रेट भी वो करा सकते हो, डाउन वाउन करा सकते हो, पर अभी हमारी बार्गेनिंग वाली स्किल अनलॉक है नहीं, तो वो हमें अनलॉक करनी पड़ेगी। तो इस कार का प्राइस ये 20,000 बता रहा है भाई, कुछ ज़्यादा ही नहीं बता रहा है, 20,000 रुपये। तो अभी हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, तो ले नहीं सकते इसको, क्योंकि अभी हमारे पास ओनली $15,000 हैं, अगर ज़्यादा डॉलर होते तो फिर ले भी लेते हम इसको, तो अभी $15,000 हैं तो हम ये ले नहीं सकते। तो भाई तू रहने दे, कहीं और देखते हैं हम आगे। तो आगे ये एक और अंकल खड़ा हुआ है पिंक टी शर्ट पे, ओ भाई अंकल तो पूरा सूट बूट पहन के, ये क्या मारुति बेचने में लगा हुआ है क्या अंकल, मारुति जैसी लग रही है, पता नहीं कौन सी कार है, और इसका ये प्राइस बता रहा है 11,000। तो देख लेता हूँ वो पीछे वाली भी देख लेते हैं एक बार यार उसकी कंडीशन, पर हमारे पास पैसे तो है नहीं इतने, तो फ़ायदा नहीं है। तो आगे और बहुत सारे लोग सेल करते रहते हैं कार यहाँ पर नेबरहुड में रोज, तो इधर आगे भी देख लेते हैं, ये इन दोनों को तो देख लिया, आगे एक दो अंकल और होंगे, उनसे भी मिल के आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कितने में सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और भाई है, इसकी कार तो बढ़िया लग रही है, ये देख लेते हैं ये कितने में कह रहे हैं,
ओहो, ये तो 33,000 में कह रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। 33,000 रुपये हम कहाँ से देंगे भाई, हमारे पास खुद 15,000 है, हम खुद गरीब हुए पड़े हैं अभी, हमारा घर भी इतना वो नहीं है, बड़ा छोटा सा घर रहते हैं हम, उसमें टेंट हाउस में रह रहे हैं एक। तो ये 14,000 कह रहा है, अगर मैं 15,000 में ख़रीदूँगा तो फिर इस पर मॉडिफाई या कुछ इस पर जो रिपेयरिंग कॉस्ट होगी वो भी नहीं लगा सकता। तो ये भी देखने में बढ़िया कार है, पर ये फ़ायदा नहीं है। और इधर देखूँ क्योंकि इधर साइड भी है, तो मैं वही ले लेता हूँ, क्या कहते हैं, जो 11,000 में थी ना उसको ले लेता हूँ, क्योंकि वो ठीक है। अगर उस पर रिपेयर पे भी 2-3 हज़ार रुपये लगा तो फिर भी तो 14,000 की समथिंग लगभग बैठेगा। तो इसको ले लेते हैं जल्दी से हम, ये वाली कार को। तो क्योंकि मैंने कर ली है बाई, और इससे ये देख सकते हो कार के कंट्रोल्स, तो गेम बड़ा ही स्मूथ चल रहा है अभी तो। तो चलो देखते हैं चला के। और मैंने अगर कार को इधर से सीधा उनके उस पर भेजना हुआ रिपेयरिंग, उस पर तो देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। अभी मैं नया नया हूँ गेम में, तो मुझे कंट्रोल्स का इतना पता नहीं है, और कहाँ से क्या होता है वो भी नहीं पता। तो आप लोग कमेंट में बताते रहना, और गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। तो वेट करो, मैं देखता हूँ ये कार के कंट्रोल, और कार को वहाँ ही भेजा देता हूँ अपने रिपेयरिंग वहाँ पर। तो इधर ये अलग अलग वो हैं, क्या कहते हैं, किससे क्या होता है, इससे क्या होता है मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। तो देखते हैं इनमें से, आई थिंक वो वाला है, यहाँ से हम कार की वो देख सकते हैं। तो भेज दी हमने फाइनली कार, और चलेगी, और हमें भी अब जाना पड़ेगा वहाँ पर कार रिपेयरिंग शॉप पे। तो मैं किधर से जाऊँ, इधर है बस स्टैंड, तो देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर है ये बस स्टैंड, यहाँ पर बस, यहाँ से टेलीपोर्ट करके हम, हमारे $10 खर्च होते हैं, तो यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ से सीधा अपना ऑफिस में चलते हैं, यहाँ या गैस स्टेशन चले। तो हम सीधे पहुँच चुके हैं वहाँ, एक और बस स्टैंड अपने ऑफिस के पास। तो यहाँ पर हमारी कार खड़ी हुई पड़ी है रिपेयर शॉप में, तो देख लेते हैं यहाँ पर ये भाई है। ओके ओके ओके, तो इनसे पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं जल्दी से। तो भाई 1,080 रुपये का खर्चा बता रहे हैं, वो इतना ज़्यादा खर्चा बताने में लगा हुआ है, इतना ज़्यादा खर्चा बता दिया। तो कोई नहीं, हमने डाल दिए रिपेयरिंग पे, फिर भी हमें 12-13 हज़ार के समथिंग पड़ेगी ये गाड़ी। और यहाँ पर एक वो भी है, कबाड़ वाला भी है, उससे अगर हम उसको कबाड़ बेचते जाते हैं, मेटल वेटल सेल कर दें तो उससे हमें पैसे मिलते हैं। तो देख लेता हूँ कहाँ पर है कबाड़ वाला, और ये रहा यहाँ पर यही है। अरे भाई इसका जंक यार्ड है ये, जैक जंक यार्ड। तो इससे बात करता हूँ, और कितने पैसे देगा, अभी मेरे पास कुछ पड़ा है, यू डोंट हैव मेटल, तो अभी हमारे पास कुछ मेटल वेटल प्ला है नहीं। तो यहाँ पर ही इसके दुकान से ही इसको यही उठा के इसी को बेच देते हैं, पता नहीं क्या भाई ये क्या पागल आदमी है, खुद ही उठा के खुद ही ले लेना। तो चलो कहीं कहीं से भी पैसा आ रहा है, $1,000-2,000 तो इससे मिल ही जाएंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ से सारा ये मेटल वटल जो भी ट्रैश है ये सारा कूड़ा यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर इसको भेज दूँगा। तो देख लेते हैं, सारा कुछ आई थिंक कलेक्ट कर लिया है मैंने, और हमारी व्हीकल भी रिपेयर्ड हो चुकी है, तो वहाँ से जाके मैं कलेक्ट कर लूँगा अपने व्हीकल को। तो इसको भेजता हूँ मैं, देखता हूँ कितने देता है ये डॉलर। भाई $1,350 दे दिए इसने, ये तो बढ़िया करा इसने, बहुत ही अच्छा वो दिया इसने, प्राइस दिया हमें कार का, नहीं नहीं कार का नहीं, क्या कहते हैं वो जो ट्रैश कूड़ा। तो हमारा वो भी हो चुका है रिपेयर, इधर पड़ी है क्या। ओके ओके, ये तो उसके लिए कि अगर कार में कुछ मॉडिफिकेशन वोडिफिकेशन करानी हो। तो फाइनली हमारी कार हो चुकी है रिपेयर, तो लेके चलते कार को अब हम वहाँ पे ऑफिस पे, तो वहाँ पर हम लगाएंगे कार को सेल करने के लिए। तो जल्दी से मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ पर कार को, कोई रोड पे आ ना रहा हो बस, अगर रोड पे कोई आएगा तो फिर डिफ़िकल्ट होगा, कई बार ठोक होक भी जाएगा। मैं यहाँ पर कार को एक बार देख ही लेता हूँ ना मॉडिफिकेशन किस तरह से होती है, तो देखते हैं अगर कुछ मॉडिफिकेशन करा के अगर कार हमारी महंगी बिक जाए तो ये अच्छी बात होगी,
ओके ओके, अभी तो कुछ लगाना है नहीं, क्या फ़ायदा इस सिंपल सी कार पे लगाने का, कोई स्पोर्ट्स कार है उस पर लगाएंगे, जो BMW या ऑडी जी ऐसी कार होगी ना, तो निसान GTR इन पर लगाएंगे। तो जल्दी से मैं यहाँ पर कर देता अपनी कार को पार्क, और फिर चलते हैं हम अपने ऑफिस के अंदर, और फिर लगाते हैं इस कार को सेल पे, तो कस्टमर भी आ जाएंगे। अभी जब मैं ये कार को सेल पे लगाऊंगा तो देख लेता हूँ कैसे सेल पे लगाना है मुझे। तो लेफ़्ट साइड पे दिखा भी रहा है इंस्ट्रक्शन, तो इस तरह से लगाना है। ओके ओके, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये कार का प्राइस मैं 12-13 के समथिंग पड़ी है मुझे कार, तो मैं इसको कितना 20,000 में बेच सकता हूँ, 20,000 में बढ़िया रहेगा ये कार को बेचना। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ प्राइस इसका, कंडीशन वंडीशन सी है तो 20,000 ही डाल देता हूँ इसका प्राइस में। और कुछ फ़ोटो वोटो भी ऐड कर सकते हैं क्या हम? फ़ोटो वोटो तो ऐड नहीं कर सकते मुझे लग रहा है इसमें, या 20,000 से ज़्यादा डालूँ इसको मैं, 25,000 भी डाल सकता हूँ ना, ये पहले 20,000 में डाल के देख लेते हैं, क्योंकि 20,000 डालेंगे तो आई थिंक कस्टमर्स आने जल्दी शुरू हो जाएंगे कम रेट पे। तो 20,000 रुपये डाल दिए मैंने यहाँ पर, तो देखते हैं कब तक आते हैं कस्टमर्स, तो वेट करना पड़ेगा मुझे। और मैंने स्किल्स भी अनलॉक करनी है, बारगेनिंग वारगेनिंग वाली स्किल, जिससे हम कार का रेट बढ़ा भी सकते हैं और जिससे हम खरीदेंगे उससे डाउन भी करा सकते हैं रेट। तो चलते हैं बाहर। भाई भाई कितने कस्टमर आ चुके हैं, 2 कस्टमर 3 कस्टमर, 1 कस्टमर तो गाड़ी के अंदर ही घुस चुका है भाई, ये क्या क्लिक है गेम। ओके ओके, ये कह रहा है हम तुम्हारी कार को लेने के ले सकता है मेरी कार को, पर अभी सेल नहीं करूँगा और उसे भी देख लेता हूँ। पर मैंने 20,000 ही डाला है प्राइस, आई थिंक गेम का स्टार्टिंग है तो तभी सभी लोग ले रहे हैं, नहीं तो लेते भी नहीं है। तो ये एक ट्यूटोरियल समझ लो, ट्यूटोरियल है ये वाला एक, तो इस पर हम 20 या 22,000 के समथिंग ही बेच सकते हैं गाड़ी, ज़्यादा उससे महंगी नहीं बेच सकते, जैसे 25 या 50,000 डाल ले तो वो उस पर एक लिमिट रखी हुई है इन्होंने कि इतने लिमिट पे बेच सकते। तो देखता हूँ मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर, देखता हूँ कितने में होती है ये। तो गाइस मैंने कार का प्राइस डाल दिया यहाँ पर 21,000 रुपये, तो देखते हैं कौन से अंकल को बेचते हैं। तो ये सामने ही खड़ा हुआ, इसी को भेज देते हैं 21,000 रुपये में, 21,500 में मैं सेल कर रहा हूँ इसको, तो ये अंकल ले लेगा आराम से। तो फाइनली हमारी पहली कार बिक चुकी है यहाँ पर, तो हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तो जल्दी से हम अपना ये डोर और क्लोज करके चलते हैं अपने घर की तरफ, और उधर जाके सो जाते हैं, और जिससे हमारा गेम भी सेव हो जाएगा। तो फिर अगले एपिसोड में आप मुझे बताना कि कौन सी कार बाई करनी चाहिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में टिप्स दे देना कि कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा वो करना। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में।